ये बताओ कि एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी क्या? थोड़ी देर से बताता हूँ ना देवा, एक्समाइमेंट नहीं होने का मतलब कि एक्सपाइमेंट। हेलो दोस्तों, तो ये क्या है ना, ये दिख रहा है मेरे कंधे के ऊपर क्या है? पहाड़ नहीं है, ये है वैक्यूम क्लीनर जो मैं लाया हूँ अपने कमरे को साफ करने के लिए। अपने कमरे को मतलब अपने काम के कमरे को, अरे गिरना नहीं बाबा, काम वाले कमरे को साफ करने के लिए। ये आइडिया मुझे कैसे आया, मेरी मम्मी इधर है सुन लेंगी तो कोई बात नहीं। सुबह मम्मी पोहा रख के गई थी टेबल के ऊपर, जैसे अभी चढ़ी है ना इस तरीके से पोहे की प्लेट को टेबल के ऊपर चढ़ाया था, इधर चढ़ा के गई थी प्लेट को, इस प्लेट को ये ऐसी थी, मैं उधर पे बैठा था ऐसा बैठा था मैं, उसके बाद ऐसा टेबल रख ये पोहा रखा था, मैंने हल्का सा पाँव ऐसे किया ऐसे हुआ और ऐसे पोहा पूरी मैदान में गिर गया। तब क्या है कि ये घास वाला मैट है नीचे, तब पोहा उठ भी नहीं रहा है और बहुत दिनों से ये कमरा भी गंदा, तो मैंने सोचा एक वैक्यूम क्लीनर ले आता हूँ। तो बस किस्मत ने सब कुछ इंतजाम किया और मैं वैक्यूम क्लीनर लेके आ गया। तो ये तो रही वैक्यूम क्लीनर की बात, अब बात करते हैं क्या कर रही, कहाँ करते, कहे पानी बनेगा शाम को। मम्मी सोने का इंतजाम कर रही हैं अपने, सोने जाएंगी पानी गिरने लगेगा तो बीच में कपड़े कौन उठाएगा सूखे। ये तो दरवाजा लगा लिया नहीं लगाई, ओके नेहा सो रही है सो रही हो, उठो। तुमसे मुझे एक विशेष बात करनी है, खास बात करनी है, इधर आओ बारह ऐसे ही एक स्पेशल बात करनी है। उजाले में अंदर उजाला नहीं है, आप लोग बोलते हो कि आवाज़ नहीं आती ना, अब भी मैं इसकी अकड़ निकालता हूँ, मतलब कि आवाज निकालता हूँ। देख तू अभी मम्मी के पास हल्ला मत कर, कहीं वो गाली ना निकाल दें। आओ यहीं पर दरवाजे पे बैठी कर लेते हैं बात, कुछ नहीं है यहाँ, आओ तो कुछ बात करनी, सवाल पूछूंगा जवाब देना। तो आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी क्या है, अभी तक नहीं बताया मैंने, आज बताता हूँ क्या है। 27 जनवरी है, यहाँ बैठने के लिए के दो लोग का वजन पड़ रहा ना कंधे पर। ये बताओ कि एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी क्या है, 27 जनवरी। तेज हुआ को लोग बोलते हैं आवाज़ नहीं आती तुम्हारी। 27 सितंबर तो एक्सेप्टेड नहीं, एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी है 27 सितंबर, यानी कि अभी आज कौन सी तारीख है, 5 टीचर्स डे है, 5, 15, 25, 20, 22 दिन। अगर डॉक्टर के बताए अनुसार और सोनोग्राफी के अनुसार बताएं तो 22 दिन बाद ये दादी बन जाएंगी। ये देखिए कपड़े उठाने जा रही हैं, 22 दिन बाद ये दादी बन जाएंगी और 22 दिन बाद हम लोग बाप मताई बन जाएं। और बताओ सब सामान वामान, तो देखो हम लोग को पता नहीं था कि कपड़े लेते हैं कि नहीं लेते हैं, वो बच्चे के आने के पहले हर जगह अलग अलग रिवाज है ना, कई जगह ले लेते हैं कई जगह नहीं लेते हैं, मम्मी को भी नहीं पता था, उतना ध्यान नहीं था, तो इसलिए मेरे साथ चली गई थी। फिर पापा ने उनको डांटा। तो तबीयत ठीक है तुम्हारी आज? है हाँ ठीक है। अरे भाभी जी तो खुद ही भूल जाती हैं कि सुबह उन्होंने कहा था कमजोरी सी लग रही है। चलिए ठीक है, तो मैंने आप लोगों को बता दिया कि एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी है 27 सितंबर, और लेकिन ज़रूरी नहीं है कि, सुना भी है बताया भी गया है कि 27 सितंबर को ही उसी दिन उसका जन्मदिन होगा, क्योंकि आएगा ही नहीं। कभी कभी होता है कि पहले डिलीवरी हो जाती है, आप लोग को भी पता होगा, आप लोग को क्या बता रहा हूँ, बहुत लोग तो माँ बाप बन गए होंगे। हम लोग तो फ्रेश बन रहे हैं, फ्रेश न्यूली मैरिड कपल, न्यूली बनने वाले पापा मम्मी। तो आप लोगों में से कई लोगों को पता ही होगा कि वो तो एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी ऐसे बता देते हैं कि भैया 10 दिन आगे 10 दिन पीछे, जैसे अमेजन में सामान नहीं बता देता कि 5 सितंबर को आएगा तो उसके एक दिन पहले ही आ जाता है ना अमेजन का सामान, भगवान का बनाया सामान का पता नहीं कब 27 के 26 को आ जाएगा 15 को आ जाएगा।
तो हो गया, बाकी सब तैयारियां हैं। क्या क्या तैयारियां कर ली तुमने? क्या सामान रखा बैग में जो हॉस्पिटल? हाँ, जो नहीं लाना चाहिए था लोगों के हिसाब से। बाकी कुछ सामान तो लाना चाहिए था, जैसे कि कंबल उम्बल वगैरह जो हॉस्पिटल में ले जाते हैं वो सब रख लिया है। और कपड़े बस छोड़ के, कपड़े नहीं रखे हैं क्योंकि कपड़ों के लिए मना करे ना सब लोग, और बोलते हैं कि कपड़े हॉस्पिटल से भी मिल जाते हैं, नहीं तो फिर कोई और ले, घर के नहीं देते, जैसे प्रियंका वो लेके दे देंगी तो पहन सकते। और नए कपड़े नहीं पहनाते ऐसा बोला था ना? नहीं, नए कपड़े पहनाते हैं वो डॉक्टर, वहीं से हॉस्पिटल से तो ही पहना देते हैं। तुम तो बोल रहे थे कि नए कपड़े, मुझे थोड़ी ना पता था हमें कि हॉस्पिटल से मिलते हैं, डॉक्टर लोग पहनाते हैं, वो लोग देते हैं। घर में का रिवाज क्या है भाई, वो पूछ रहा हूँ। घर में यही है, कुछ बोलते हैं पहनाते हैं, कुछ बोलते नहीं पहनाते सब। कुछ कौन बोलता कि पहनाते हैं? मैं, मुझे नाम थोड़ी ना। नहीं, खाने को पूछ रही है मम्मी, खाना नहीं खाना कहे? ऐसे ही कुछ खा के आई है क्या? अभी अभी मैं बाहर से आया हूँ, वैक्यूम क्लीनर लेके आया हूँ, मतलब कि खा के आया हूँ। क्या खा के आए? कुछ नहीं खाया है भाई, हवा खा के आया हूँ बाहर से, हवा, धुआं, धूल, प्रदूषण, डस्टबिन में तो कुछ खा के आए हो? अरे कुछ नहीं खा के आया मैं, चुपचाप मुझे ये था कि थोड़ा सा व्लॉग बनाना, तुमसे पूछना, एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी बताई नहीं थी तो सोचा था कि बता दूँ सबको, बस यही था। अच्छा, और क्या था? और कुछ? और कुछ नहीं है। और नाम वाम तो सोच वोच लिया है? मैंने तो सोच लिया है कि लड़का होगा तो क्या रखेंगे, लड़की होगा तो उस पर कन्फ्यूजन है मुझे, लड़के में तो कोई कन्फ्यूजन नहीं, लड़के का नाम एकदम सोच लिया है, बताऊंगा नहीं अभी आप लोग को, जब ये हमको पता चल जाएगा कि आ गया है, ऐसी आवाज़ सुनाई देगी तब मैं बोलूँगा, नाम से बुलाऊंगा सीधे। और लड़की की, लड़की का नाम क्या रखेंगे वो मैं सोचा, मैंने बहुत सारे नाम सोचे लेकिन फाइनल नहीं हो रहा है। मैं सोचता हूँ कि कुछ ऐसा नाम रखना जो अलग भी हो और जिसका मतलब अच्छा हो, ऐसा नहीं कि बेमतलब वाला नाम अच्छा लगने के चक्कर में, नाम का अर्थ भी अच्छा होना चाहिए, है ना? जैसे तुम्हारा नाम नेहा है, तुम्हारे नाम का क्या अर्थ है? कुछ नहीं है। मेरा नाम विक्रम है, मेरे नाम है? नेहा नाम का क्या अर्थ है? कुछ नहीं है। तो विक्रम नाम का क्या अर्थ है? नेहा से अच्छा तो नेवला रख देती, नेवल कुछ तो है, सांप को मारने वाला नेवला। शट अप। तुम्हारा नाम क्या अर्थ है पता है? तुम्हारा नाम का क्या अर्थ है नेहा का? क्या है? जो भी होगा अच्छा ही होगा, मुझे पता था, नहीं पता होगा। मेरे नाम का अर्थ विक्रम, मतलब मेरे नाम विक्रम का अर्थ है पराक्रम, समझी? पराक्रम अर्थ होता है मेरे नाम का। ओए, लेकिन पराक्रम तो भाभी जी दिखाती हैं। चलो हो गया, जाओ जो कर रही थी करो, मतलब सो जाओ। तो अब आज शाम को मैं जाऊंगा, मुझे जाना एक जगह पर, आपके जैसे कुछ दर्शक हैं जिन्होंने मुझे बुलाया है, रहली गणेश जी उन्होंने रखे हुए हैं तो आरती के लिए, तो वैसे तो मैं नहीं जा पाता, नहीं जा रहा था, लेकिन उन्होंने रिक्वेस्ट की, नेहा को भी बुलाया था, लेकिन इस अवस्था में 40 किलोमीटर दूर ले जाना ठीक नहीं है, खासकर नौवे महीने में, तो नेहा को नहीं ले जा रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ आज शाम को रहली। अभी तो इसका व्लॉग बनाएंगे, दिखाएंगे अगले वीडियो में, यानी कल। अभी तो ले जाना ठीक नहीं है, कभी ले जाते हो कोई बुलाते? दे दूंगा। तो आप लोग तैयार रहिएगा 27 के 10 दिन पहले या 27 के 10 दिन बाद। 10 दिन बाद तो बहुत कम लोगों का होता होगा, 10 दिन पहले ही आ जाएगा शायद, या फिर 27 तक आ जाएगा। तैयार रहिएगा, हम लड्डू खिलाएंगे ऑनलाइन।